अगर आपको अपने शरीर में जमे चर्बी को जमाना खत्म करना है, मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा, जिम कीजिएगा, टहलिएगा। मोटा आदमी ना कम से कम 3 से 4 साल ये सोचता है कि मुझे डाइटिंग करना है। वो जो डाइटिशियन आए थे ना हमारे लिए, उनको लगा कि हम इनको सलाद खिला देंगे तो खाना कम खाएंगे, इससे क्या समझौता। वो बहाना करके छोड़ दिए, कहें कि सर हमको बहुत दूर पड़ता है यहाँ आना। क्योंकि हम सब समझ रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप जाइए। सबसे कम ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट 4.2, उसके बाद प्रोटीन 4.3, सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा। लेकिन सबसे आसानी से टूटता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? ग्लूकोज। सबसे मुश्किल से टूटता है प्रोटीन, सबसे मुश्किल से टूटेगा प्रोटीन। अगर आपको अपने शरीर में जमे चर्बी को जमाना खत्म करना है तो आपके पास रास्ता सिंपल है, आपके पास जो ऊर्जा ग्लूकोज से मिली है इसको तो खर्च कर दीजिए, प्रोटीन वाली खर्च होगा नहीं, बचेगा फैट वाला। तो आप मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा, जिम कीजिएगा, टहलिएगा, तो आपका ग्लूकोज वाला ऊर्जा खत्म। अब अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करते रहेंगे तो प्रोटीन वाला खर्च होगा या फैट वाला? तो धीरे धीरे फैट वाला खत्म हो जाएगा, फिर सूख जाएंगे आदमी यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया आप? मोटा आदमी ना कम से कम 3 से 4 साल ये सोचता है कि मुझे डाइटिंग करना है, हाँ प्लानिंग करते रहता। हाँ हम भी कई साल से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्या हो, थोड़ा सा डाइटिंग करें। तो हमारा अलग है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, टाइम नहीं मिल पाता है, खाना भी जरूरी है। क्योंकि वो आके दिमाग देगा सैंडविच खाइए, सलाद खाइए, वो कहता एक प्लेट सलाद खा लीजिए, तो एक प्लेट सलाद खा लिए, उसको लगा हम खाना छोड़ देंगे। वो जो डाइटिशियन आए थे ना हमारे लिए, तो उनको लगा कि हम इनको सलाद खिला देंगे तो खाना कम खाएंगे, इससे क्या समझौता। सलाद खा लो, मिठाई खा लो, कोल्ड ड्रिंक पियो, नाश्ता करो, लस्सी पियो, ये अलग चीज है, खाना अलग चीज है। वो बहाना करके छोड़ दिए, क्योंकि हमको बोले थे कि 1 महीना में हम मतलब ठीक ठाक चेंज ला देंगे, 2 महीने में 10-15 दिन देख लिए। एक प्लेट सलाद खाने के बाद खूब से खूब आधा घंटा गैप दे देते थे, लेकिन खाना पिछले, कहें कि सर हमको बहुत दूर पड़ता है यहाँ आना। हम कहें कि हम सब समझ रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप जाइए। हो गया नहीं समझे? और ना तो जाके हल्ला का किए थे, पता है खान सर हमारे स्टूडेंट है, तो पूछा कि सर ये आपसे क्या चीज पढ़ा दिए? तो हम कहे तू तो हमको खाना होना मतलब थोड़ा सा वो हो जाए डाइट उट, तो करे स्टूडेंट के नहीं भाई साहब, या तो खाना खाना सिखा रहे हो, सलाद तो उसपे कहोगे स्टूडेंट है 83 kg। हम कहे वो तो 1 kg नहीं कम करा पाए, नहीं कम होता है जी, रमजान में तो कमे नहीं हुआ, 1 month रोजा रहने पर कमे नहीं हुआ, रोजा दीने में ना रहता आदमी नहीं खा पाता, ये गलत फहमी है, रोजा में कोई नहीं खा पाता है। रीजन बींग क्या है, दिन भर जब भूखे रहिएगा इतना पानी पी लीजिएगा, इतना पानी पी लीजिएगा, फिर खाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि भूख का भी एक टाइम होता है। अगर भूख लगी है तो आधा 1 घंटा में आप खाना खा लो तब तक तो ठीक है, लेकिन वही 4-5 घंटा गैप कर दोगे तो खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, अजीब हो जाएगा। लेकिन हमको उस सबसे मतलब नहीं है, खाना से समझौता कर लेगा आदमी, पढ़ाए कौन सी, इसलिए फैट गलता है नहीं। हाँ तुम तो ही तो माचिस का तिल्ली, तुम कौन सी बोलती हो फैट गलने के, तुम्हारा सीधे प्रोटीन खत्म हो जाएगा, गायब हो जाओगी तुम। खाना पीना खाओ नहीं तो कुछ दिन में पारदर्शी हो जाओगी। किडनी उडनी बाहर से जब किडनियां जाओ। अच्छा दुबले लोग के साथ एक प्रॉब्लम है ना, कितना खाता है बेचारा, दुबला नहीं मोटाई भी नहीं करता, और हम लोग के साथ प्रॉब्लम है जो कमो खाएगा आदमी। नहीं समझे, जितना मोटा है सब, इस सब ज्यादा नहीं खाता होगा बेचारा, लेकिन बदनाम हो गया है।